हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट टू करने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो आज जो टॉपिक है वो है हमारा चुनाव पर आधारित प्रश्न, और कल जो हम लोगों ने टॉपिक किया था वो था परीक्षा में फेल पास वाले क्वेश्चंस। तो इसे भी बिल्कुल इजी तरीके से करना है, और इसमें क्या है कि स्टार्टिंग इजी टू हार्ड चलेगी। पहले इजी क्वेश्चंस, फिर थोड़े डिफिकल्ट, और इसमें 5 क्वेश्चन पूछे हैं, मींस 5 क्वेश्चन बताए गए हैं, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जिसका जवाब आप लोगों को देना है कमेंट्स में। तो और कल जो फर्स्ट पार्ट बनाया था परसेंटेज का, उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस में कमेंट किया था जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे, तो मैं उनका नाम अनाउंस करने वाला हूँ 5 मेंबर्स का। वन्ना यादव, नरपत राम, अलका कुमारी, आर्यन रॉय एंड राहुल यादव। तो इन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आगे भी मतलब इसी तरह कमेंट करते रहें, थैंक यू। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी अभी तक वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो प्लीज़ उसको देख लें। और अब जो हमारा क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो 65% थे। वोटों की कुल संख्या कितनी थी? तो पहले आप बेसिक को समझिए, कभी भी चुनाव होता है तो चुनाव में जितने भी लोग वोट डालते हैं तो वो हमारा 100% होता है। मान लीजिए अगर 2000 लोगों ने वोट डाला तो वो हमारा 100% है कि भाई 2000 लोगों ने वोट डाला तो 100% है, या 2500 लोगों ने डाला तो वो भी 100%, जितने भी लोग वोट डालेंगे वो 100% है। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि 100% होता है। अब यहाँ पर कितने परसेंट है? 100% है। तो उसने बोला है एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो 65% थे। कितने थे? 65% थे। तो 65% थे मींस 165% था, तो दूसरे को कितना मिला होगा? एक को अगर 65 मिला तो दूसरे को 35 मिला होगा। क्यों? क्योंकि 100 में से 65 गया तो 35 बचा। तो ये तो बेसिक सी बात है, अभी इसका कोई यूज नहीं है। इस क्वेश्चन में तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, उसने पहले ही कह रखा है एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो 65% थे। मींस 65% की वैल्यू उसने पहले ही दे रखी है कि 507 वोट मिले जो 65% थे। तो 65% की वैल्यू कितनी है हमारी? 507। अभी जो क्वेश्चन आगे करेंगे उसमें आपको अलग कॉन्सेप्ट आएगा। तो 65 की वैल्यू कितनी है? 507। तो यहाँ पर उसने बोला है वोटों की कुल संख्या कितनी थी, तो आपको वोटों की कुल संख्या बतानी है। वोट कितने होते हैं? 100% होते हैं, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। इधर दिया है 65 की वैल्यू, तो आप 65 की वैल्यू कितनी है? 507। तो पहले आपको कितने की निकालनी है? अभी 100 की निकालनी है, मीन ये तो 65% की है, और आपको निकालनी है 100% की। तो आप कैसे निकालेंगे? ईजी है, पहले एक की निकालिए। एक की कैसे निकलेगी? आपको 65 से डिवाइड देना पड़ेगा। जब भी बड़े से छोटे में जाते हैं तो आपको डिवाइड देना पड़ता है, तो यहाँ दे डिवाइड दे दिया, तो मीन्स एक की वैल्यू आ गई 507/65, मीन्स 65। अब 100 की निकालनी है, मीन्स छोटे से बड़े में जा रहे हैं, एक से 100 में जा रहे हैं, तो आपको गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 की निकालने के लिए कितना होगा? 507/65, और 100 की निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, और इसको कट कर दीजिए, तो ये जाएगा 5 से 13 टाइम्स, 5 से 20 टाइम्स, और 13 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 39 टाइम्स, और 39 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 780, और यही हमारा आंसर है। तो ये तो बेसिक सा था, अब सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला, अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हराया, तो कुल पड़े वोटों की संख्या क्या है? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सारे एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन हैं, और देखिए करना कैसे। आपको पता है वोट कितने होते हैं? टोटल 100 होते हैं, 100 वोट होते हैं। अब एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला, मीन्स 100 में से कितने मिले? एक को 41% मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा? दूसरे को 59 मिला, क्योंकि 100 में से 49, अगर 41 माइनस करेंगे तो 59 आएगा। तो उसने बोला है अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हराया। कितने वोटों से हराया? 270 वोटों से हराया। अब देखिए,
यहाँ पर इसको 41% वोट मिले, इसको यहाँ पर 59% वोट मिले, तो खुद सोचिए कि कौन जीता। 59% वाला जीत गया और ये वाला हार गया। तो इसने इसको कितने वोटों से हराया? 270 वोटों से हरा दिया, 270 वोटों से हराया। कितना परसेंट है, मीन्स इनके बीच डिफरेंस कितना है, कितने परसेंट से ये हारा है? 59 में से अगर 41 माइनस कर देंगे तो डिफरेंस जो आएगा 18% आएगा, मीन्स 18% वोटों से हार गया। और जो 18% की वैल्यू है वो कितनी है? 270 है। तो हम इजीली बता सकते हैं कि 18% की वैल्यू कितनी है? 270। 18% बराबर 270। तो आपको उसने बोला है कुल पड़े वोटों की संख्या क्या है, तो भाई 100 की निकालनी है, इस 100 की निकालनी है, तो 100 की निकालने के लिए पहले 1 की निकालना पड़ेगा, तो 270/18, और 100 की निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 270/18 गुणा 100, और जो कट हो सकता है काट लीजिए, 2 से इसे काटते हैं 9 टाइम्स, और इसे काटेंगे 50 टाइम्स, और इसे काटा तो 9 से 30 टाइम्स, और ये बचा 30 और 50, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई 3 5 15 और 2 0, तो 1500। तो ये हमारा आंसर हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब थोड़ा और डिफिकल्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजयी हुआ। तो पहले तो ये देखो कि एक चुनाव में कुल डाले गए मत, कुल मत कितने होते हैं? 100। डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके, तो मीन्स एक ने कितने प्राप्त किए? 60% प्राप्त किए, तो दूसरे ने कितने किए होंगे? 40% प्राप्त किए होंगे। 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजयी हुआ, तो 60 वाला ओबियसली जीत गया होगा और 40 वाला हार गया होगा। उसने बोला है एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजयी हुआ, तो कौन विजयी हुआ? ये वाला विजयी हो गया। कितने कितने से हुआ? 1400 मतों से हो गया। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 20 का है। 60 और 40 के बीच में कितना डिफरेंस आएगा? 20 का डिफरेंस आएगा, तो मीन्स 20% वोट ज्यादा ले गया। जो ये 60% वाला जो उम्मीदवार है ये इससे 20% ज्यादा ले गया, तो 20% की वैल्यू कितनी आ गई? 1400 आ गई। उन्होंने बोला है जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या क्या है। उसने यहाँ पे कुल का नहीं बोला, अगर कुल बोलता तो आपको 100 की निकालनी पड़ती, लेकिन यहाँ पर उसने बोला जीतने वाले प्रत्याशी, और जीतने वाला प्रत्याशी कौन सा है? हमारा 60 वाला है, तो आपको 60 की वैल्यू निकालनी। 20 की आपको पता है 1400, तो पहले 1 की निकाल लीजिए, 1 की निकालेंगे तो 1400/20, और 60 की निकालनी है तो 60 के लिए 60 से गुणा कर देंगे, 1400/20/60, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 से 3 बार काट दिया, और 14 3 जा 42, और 2 0 का 0, तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, मीन्स 100% होते हैं तो 8 ने नहीं डाले, कितने ने नहीं डाले? 8% ने नहीं डाले, तो लिख लेते हैं मीन्स 100% होते हैं, 8% ने मत नहीं डाले, तो कितने लोगों ने मत डाले? 92% ने वोट डाले हैं और 8% ने नहीं डाले। इस चुनाव में केवल दो ही प्रत्याशी थे, मीन्स दो प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर, जो जीतने वाला प्रत्याशी था, प्रत्याशी ने कुल मतों के, तो कुल मत कितने हुए? 100 थे, 8 ने 8% लोगों ने डाले ही नहीं, तो 92% वोट आए, और 92 में से फिर कुल मतों, अब कुल मत कितने हो गए हमारे? 92, कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर, तो एक प्रत्याशी ने कितने वोट प्राप्त किए? 48%, तो दूसरे ने कितने प्राप्त किए होंगे? भाई 92 में से 48 माइनस कर दो तो हमारा आएगा 44, तो इसका कितने होगा? 44% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया, तो ये मेंबर जीत गया, इसके ज्यादा है और इसके कम है, ये हार गया, 44 वाला हार गया। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 4% का है,
4% का डिफरेंस आएगा। तो और हराया कितने मतों से है, 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। मीन्स इसने इसको हरा दिया, कितने मतों से हरा दिया, 1100 मतों से हरा दिया। तो 4% की वैल्यू 1100 है। अब उसने बोला चुनाव में कुल कितने मत थे, चुनाव में कुल कितने मत थे, चुनाव में हमारे 100% मत थे, चुनाव में 100% मत थे। कहने का मतलब है कि जो पहले क्वेश्चन में बताया था कि एक चुनाव में 100% लोग होते हैं, कितने होते हैं 100%। अब 100% वो क्यों होते हैं, क्योंकि वो 100 लोगों के जो वोटर आईडी कार्ड होते हैं वो बने हुए होते हैं। अगर जिसके वोटर आईडी कार्ड नहीं होंगे तो वोट नहीं देगा। अब वो उसकी इच्छा है कि वोट देना है कि नहीं देना है, वोटर आईडी जिसके पास है उसको वोट देना है कि नहीं देना, लेकिन है तो वो 100% लोग ना। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि वोटर जो होते हैं वो 100 होते हैं हमेशा। अब उसमें से मान लो ये वोट देने आए 8% लोग, और इनको समझ नहीं आया वोट किसको देना है, तो ये लोग, इन लोगों ने वोट ही नहीं डाला अपना। तो फिर इसमें इतने लोगों का वोट आया, लेकिन टोटल वोट थे कितने, 100। पहले तो 100 ही थे, तो आपको 100 की ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 4 की वैल्यू 1100, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1100/4, और 100 की निकालने के लिए 1100/4 और गुणा में 100। तो कट कर लीजिए 4 से 25 बार, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 27500, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है। तो पहले तो वैध और अवैध क्या होता है। वैध का मतलब है जो सही, मीन्स सही हो, गलत तरीके से ना हो, और अवैध का मतलब है जो गलत तरीके से होते हैं। तो उनकी गिनती भी नहीं की जाती, जो अवैध होते हैं उनकी गिनती नहीं की जाती। तो पहले अभी इसको से भी आप थोड़ी देर के लिए रखेंगे। एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है। अभी हमें पता नहीं वैध वोट कितने हैं, अवैध कितने हैं, तो अभी पता नहीं है। यहाँ पर दिया है, अब देखो आगे 20% वोट अवैध है, मीन्स हमें पता चल गया कितने वोट अवैध हैं, 20% वोट अवैध है, मीन्स खराब है, बेकार वोट है, तो इसको काउंट में नहीं लिया जाएगा। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 है, कितनी है वोटों की कुल संख्या, 7500 है। भाई टोटल वोट कितने हैं, भाई वोट होते हैं 100%, और 100% कितना है, 7500। तो टोटल वोट है हमारे 7500, 20% वोट अवैध है, तो हमें वैध, जो वैध वोट होते हैं, मीन्स 7500 लोगों ने वोट डाले हैं, लेकिन इसमें जो 20% है वो चीटिंग के वोट हैं, किस बेकार हैं, तो उसकी काउंटिंग नहीं करी जाएगी। तो इसमें से 20% वोट को हटाना पड़ेगा। वैध कितने होंगे, जब 100% वोट होते हैं वैध, अगर ये अवैध वोट हैं जो 20 हैं, तो वैध कितने होंगे, मीन्स सही कितने होंगे, 80 होंगे। तो आप डायरेक्ट 80 निकालिए, 80% जो वैध वोट हैं आप 80% निकालिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6000। तो 6000 वोट हमारे वैध है, मीन्स वैलिड वोट है, वैध वोट। ये हमारे सही वोट हैं, और 20% जो है, तो 20% मतलब होगा 6000, और 1575 सौ होंगे, तो मतलब 1500 वोट कितने हैं वो हमारे खराब हो गए, तो उसकी कोई काउंटिंग नहीं है, उसको भूल जाओ। अब उन्होंने बोला है तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी। भाई ए जो एक उम्मीदवार था उसको वैध वोटों का 55% मिला है, एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% मिला, मीन्स 6000 का एक को 55% मिला है, और एक को कितना मिला है, भाई टोटल होता है 100, टोटल कितना होता है 100, एक को अगर 55 मिला तो दूसरे को 45 मिला होगा, तो ये जीत गया और एक हार गया। तो यहां पर लिखा है तो दूसरे उम्मीदवार को, एक उम्मीदवार का तो ये हो गया, दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी। उन्होंने ये नहीं बोला कि कितने परसेंट मिला, उन्होंने उसकी संख्या बोली, इसके कितने वोट हैं। तो भाई 6000 का 45% निकाल दो, 6000 का 45%।
100 से 100 कटा, मीन्स 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा हमारा 2700, और ये हमारा आंसर हो गया। अब आपके लिए क्वेश्चन, दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले, यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे, 31,400, 31,500, 32,400, 32,420। तो इसमें जो भी आंसर हो आप लोग मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। थैंक यू।